अप्रिसिएशन मिले तो हमेशा अच्छा लगता है. अप्रिसिएशन के लिए हम काम करते हैं एज एक्टर्स एंड आई थैंक. इट्स जस्ट अ बहुत ही अच्छी फिल्म है, फैंटास्टिक फिल्म. श्रीराम राघवन इज एन एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ द क्राफ्ट, सो गो एंड वॉच इट. इसकी अपनी खूबसूरती है भाई, बहुत बढ़िया फिल्म. मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है ऑडियंस का रिस्पांस हमारे लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक है, बिकॉज एवरीवन्स लव्ड इट. और एक ऐसी फिल्म का हिस्सा होना जो लोगों को बहुत पसंद आए वो बहुत अच्छा लगता है. सो बहुत मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ फिल्म का हिस्सा. बहुत मज़ा आया, बहुत एंथुजियाज्म है और एक इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इतना अलग करना कुछ बहुत बड़ी बात होती है. बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रिसिएशन आ रही है और आई थिंक कल पिक्चर रिलीज हो रही है. सो एज एनी एक्टर आई बी रियली नर्वस, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज गो वॉच द फिल्म 20th फेब. अभी प्रेस शो हुआ, उसमें आपके कैरेक्टर पे लेके काफी अप्रिसिएशन हुआ प्रेस वालों ने कहा, तो कैसा लगता है जब इस तरह की प्रेस से आपको मिल रहा है? आई थिंक अप्रिसिएशन मिले तो हमेशा अच्छा लगता है. अप्रिसिएशन के लिए हम काम करते हैं एज एक्टर्स एंड आई थैंक श्रीराम राघवन, बिकॉज ये फिल्म उनकी वजह से पॉसिबल हो पाई है. द वे ही इज कंसीव्ड ऑल द कैरेक्टर्स, द वे ही इज डायरेक्टेड ऑल ऑफ अस. If I have done even thoda bahut bhi acha, I would credit my entire performance to him, to Nawaz, to Varun. I think aap achhe actors saath kaam karte to aap khud bhi acche lagte hain. Nawaz, thank you. Yeah, thank you. Film to maine dekhi hai bahut baar pehle, par logon ki reaction bahut hi badhiya thi aur jaise expect kiya tha waisi reaction aaj mili. जो भी पॉइंट्स थे और पीपल एक्चुअली केम आउट शेकिंग विच वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट आई थिंक. डोंट मिस द बिगनिंग है वो क्या अब देखो ना कल जाके. अच्छा और क्या कहना चाहेंगे वरुण के कैरेक्टर के बारे में? वरुण इज फैंटास्टिक एंड नवाज इज सुपरलेटिव, सो बोथ ऑफ देम हैव जस्ट लाइक दिस दे स्टोलन द शो. ओके आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स. वरुण ने रिस्क भी लिया इस तरह जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये मतलब बहुत ही अलग फिल्म है उसके लिए और उसने जो काम किया है मतलब आप देखोगे कल तो. और यामी इज एफर्टलेस, हुमा इज हुमा एब्सोल्युटली एंड सो इज दिव्या एंड अश्विनी एंड मुरली एंड एवरीबडी. आई थिंक एवरी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर इज इनक्रेडिबल. थैंक यू. बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये फिल्म. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी, बिकॉज जनरली रिवेंज टेल बहुत ज़्यादा कई बार ग्रूसम हो जाती है, बट इट्स अ फैंटास्टिक वेल मेड फिल्म. आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कोई फिल्म मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे करे. इट कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सिनेमा आई थिंक. बहुत ज़्यादा एंड आई थिंक यू नो फ्रॉम हियर ही इज बिकम लाइक अ रियल एक्टर एंड इज डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड आई रियली ही इज फैंटास्टिक इन दिस फिल्म एंड ऑल्सो नवाज आई थिंक stole the show for me. आई थिंक सबको डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई करने चाहिए, यू नो आई थिंक ही विल बी ग्रेट इन ईदर वे. सो आई थिंक आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, जो भी कैरेक्टर करे वो अच्छा. आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी होली. थैंक यू.